बच्चे को मालिश करने के बाद नहलाना सही है या मालिश करने से पहले नहलाना सही है? तो इसमें आप कई तरह से कर सकती हैं। आप मालिश करने से पहले भी बच्चे को नहला सकती हैं, मालिश करने के बाद में भी, लेकिन उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा मालिश करने के बाद ही बच्चों को नहलाया है, क्योंकि मुझे इस बारे में कई चीज़ें ध्यान में आती हैं। जैसे कि अगर हम मालिश करने के बाद बच्चे को नहीं नहलाते हैं, मैं मालिश करने के हमेशा 20 मिनट या आधे घंटे बाद बच्चे को नहलाती थी, क्योंकि ऐसा करने से जब हम बच्चे की मसाज करते हैं तो कोई भी ऑयल जो है वो बच्चे की स्किन पे चिपक जाता है, और हम बहुत देर तक अगर उसको धोते नहीं हैं तो उससे बच्चे के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इससे बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, दाने वगैरह, और ख़ास करके गर्मी में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो गर्मी में तो आप मसाज के बाद ही नहलाएं बच्चों को। हाँ, ऐसा होता है कि नहलाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हो सकता है कि आप जो बच्चे को नहलाती हो तो किसी ऐसे सोप का आप इस्तेमाल करती हो जिससे बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर ऐसा है, आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सोप का यूज़ करें जिससे बच्चे की स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। और अगर आपने पहले नहला दिया उसके बाद आप मसाज करती हैं और वो ऑयल अगर बहुत ज़्यादा थिक है, यानी कि गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो फिर वो दिन भर बच्चे की स्किन पे लगा रहेगा, उससे बच्चा काफ़ी इरिटेट होगा, और वो भी गर्मी के मौसम में तो और ज़्यादा इरिटेट होगा। तो अगर आप ऐसा करती हैं कि आप पहले नहलाती हैं फिर मसाज करती हैं, तो उसके बाद आप एक चीज़ कर सकती हैं कि अगर आपने बच्चे को पहले नहलाया फिर मसाज किया, अब आपको नहीं नहलाना है, तो आप मत नहलाइए, लेकिन कम से कम आधे घंटे के बाद आप बच्चे को ड्राई कपड़े से ही बच्चे को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। हल्का सा पोंछ ज़रूर दीजिए, या आप कपड़े को हल्का सा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए, और हल्का हल्का सा स्पंज आप बच्चे को कर दीजिए। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा, तो बच्चे को इन्फेक्शन या रैशेज होने का खतरा नहीं रहेगा, दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। वरना गर्मी के मौसम में अगर आप ये करती हैं तो बच्चे को दाने बहुत जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ऑयल से स्किन वैसे ही इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है आजकल, उसमें ऑयल लगा रहता है, तो स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और ज़्यादा धूल गंदगी को मतलब वो सोख लेती है, और उससे बच्चे के स्किन पर दाने निकल सकते हैं। तो बस ये छोटी सी वीडियो है, आप अगर बाद में नहलाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, 15-20 मिनट के बाद आप नहला सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले नहलाती हैं फिर मसाज करती हैं, आपको नहीं नहलाना है, तो आप बच्चे को एक कपड़े से पोंछें ज़रूर, और गीले कपड़े से आप पोंछें, हल्का सा स्पंज कर दें बच्चे को, तो बहुत ही अच्छी बात है।